मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को साधने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपनी अपनी नीतियां बनाना शुरू कर दी हैं। कांग्रेस ने अब 15 जून से कमलनाथ संदेश यात्रा निकालकर पिछड़े वर्ग के लोगों से सीधा संवाद करने का प्रयास शुरू कर दिया है। इस अभियान की शुरुआत 15 जून से भोपाल में होगी। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस संदेश यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। ये संदेश यात्रा मध्य प्रदेश के 10 जिलों की 22 विधानसभा सीटों तक जाएगी और इस संदेश यात्रा के माध्यम से प्रदेश के पिछड़े वर्ग से कांग्रेस सीधा संवाद करेगी। इस संदेश यात्रा के माध्यम से पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने की बात भी कही जाएगी। इस संदेश यात्रा के बारे में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव दामोदर यादव ने भोपाल में जानकारी दी। आगामी 15 जून से मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के तत्वाधान में कमलनाथ संदेश यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी शुरुआत भोपाल में पीसीसी से हमारे पीसीसी चीफ माननीय कमलनाथ जी हरी झंडी दिखाकर करेंगे। ये यात्रा 10 जिलों में प्रथम चरण में जाएगी, जिसमें 22 विधानसभाओं के अंदर 55 से 60 सभाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हमने लक्ष्य रखा है कि कम से कम 3 से 4 लाख लोगों को हम एड्रेस करके न सिर्फ पिछड़े वर्ग के पक्ष में किए गए कामों के बारे में, बल्कि जितने भी जनहितैषी योजनाएं 15 महीने की कार्यकाल में माननीय कमलनाथ जी ने किए थे वो, और हमारा जो वचन पत्र भविष्य को लेकर है, आगामी 6 माह बाद जब जनता के आशीर्वाद से हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या काम करना चाहते हैं, वो जन जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से इस यात्रा को निकालने का काम किया जा रहा है। ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा प्रदेश में जनता में बहुत ज़बरदस्त माहौल है, उस माहौल को और बूस्ट करने का काम निश्चित रूप से यात्रा करेगी। इस यात्रा का समापन गृह मंत्री की विधानसभा क्षेत्र में दतिया में 25 से 30 हज़ार लोगों को एकत्रित करके एक बड़ी विशाल सभा के रूप में जरूर किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के हमारे विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी अग्रवाल साहब और बहुत सारे नेता भी उसमें सम्मिलित होंगे। आप सभी से हमारा आग्रह है कि इस यात्रा में हमें सहयोग प्रदान करें। मिश्रा जी ने कहा है कि इस